ना फटने का डर ना स्टफिंग का झंझट। आज हम बना रहे हैं आलू और बाजरे की यम्मी कचौड़ी। आज हम बाजरे की कचौड़ी बिल्कुल नए तरीके से और आसान तरीके से बनाना बताएंगे। ये हमने एक कप बाजरा लिया है। अब इसमें हम टेस्ट के लिए 2 चम्मच हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। बेसन अगर आपको नहीं डालना, अगर आप खाली बाजरे से बनाना चाहती हैं तो खाली बाजरे से बना सकती है, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको नहीं डालना है तो आप बेसन को स्किप कर सकती हैं। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच घिसी हुई अदरक डालेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आज हम आपको बाजरे की कचौड़ी बनाना बताएंगे। आज हम देखिएगा किस तरह से बना रहे हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। अगर आपके पास तिल है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच पिसा लाल मिर्चा डालेंगे। आप इसकी जगह इसमें हरे मिर्चियों को भी काट के महीन महीन डाल सकती हैं। और इसमें हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे और इसमें टेस्ट के अनुसार 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। कचौड़ी है, देखिएगा बिल्कुल आसान तरीके से आज हम आपको कचौड़ी बनाना बता रहे हैं। 1/2 चम्मच इसमें हम चाट मसाला भी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ेगा। अब हमने इसको सानने के लिए पानी गर्म करा है। देखिए पानी हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम आटे में भी डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा सा नमक डालिए। थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम मिला लेंगे। अब ये पानी इतना गर्म है कि आप इसको हल्के छू सकती है, बहुत ठंडा मत करिएगा। गर्म पानी से आटा जितना आप सह सके उतने गर्म पानी से इस आटे को सानिएगा। अब पानी भी हमारा गर्म हो गया, हल्का सा ठंडा हो जाए, खूब खौल गया था पानी, हल्का सा 1 मिनट ठंडा करेंगे, पूरी तरह से उसको ठंडा नहीं करेंगे। अब इसमें जो इसका मेन कचौड़ी का इंग्रेडिएंट्स है आलू, अब इसको हम खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 1/2 चम्मच ऑयल, इन सब चीजों को हम हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब जो गर्म पानी है ये डालेंगे, पानी को ठंडा मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जितना आपसे ये सह सके उतने गर्म पानी से सानिएगा। और इस आटे को हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसलेंगे, क्योंकि ये बाजरे का आटा है, बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर सानेंगे और फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए आटा हमारा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल उठाएंगे और हाथ पर हम हल्की सी चिकनाई लगाएंगे। आप पानी भी लगा सकते हैं, हल्की सी चिकनाई लगाकर इसको गोल करेंगे। हम हाथ की सहायता से इसको बनाकर आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से कचौड़ी है, तो देखिए कितनी आसानी से बन रही है। एक तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तेल हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, आंच को हमने धीमा कर दिया है। जब तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आंच को धीमा कर दिया करें, क्योंकि कचौड़ी है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तभी आपकी बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार होगी। अब देखिए हम इसमें इस कचौड़ी को डाल देंगे, थोड़ी देर तक इसको हम नहीं छुएंगे। इसी तरह से हम सारी कचौड़ी हाथ से बेल बेल कर डालेंगे। आंच को इसमें हमने मीडियम कर दिया है। ये देखिए इस तरह से जब कचौड़ी हमारी थोड़ी पक जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, इसी तरह से हम देखिए ये कितनी अच्छी कचौड़ी फूल कर तैयार हुई। अब इसको हम कुछ सेकंड और तेल में रखेंगे, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और करेंगे। इसी तरह से हम देखिए कचौड़ियाँ हमारी बिल्कुल फट नहीं रही हैं, जिस तरह से हमने बताया। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके भी कचौड़ियाँ इसी तरह से अच्छी बनेंगी। ये कचौड़ी देखिए पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में किचन नैपकिन पर निकालेंगे, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये भी निकल जाए। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। देखिए बिना झंझट के हमारी बाजरे की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। लोगों को बाजरे की कचौड़ी बनाना बहुत कठिन लगता है, देखिए आज हमने कितने सरल तरीके से बताया है।
और अगर आपको हमेशा की तरह हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। एक कचौड़ी हम आपको काट कर दिखाते हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी कचौड़ी बनी है। अब इसको हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, ये देखिए कितनी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।